क्या बात कर रहे हैं आप मेरे को या फिर यूँ पूछूं कि कितने में भेजा मेरे को डोंट यू डेयर नवाब डोंट यू डेयर तुमने किया ये सब धोखा ये सब झूठ क्या मिला तुम्हें ये सब करके सब खत्म हो गया ना आर यू हैप्पी एनीवे मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट वो तो मिले चल रही है ये सब पुलिस कोर्ट कचहरी मजाक होगा ना तुम जैसे सड़क छाप गुंडों के लिए अब मैं दूंगी तुम्हें सजा तो फिर अपन को डरना चाहिए हाँ डरना तो चाहिए तुम्हें क्योंकि मैं लाला को फोन करूंगी एक मिनट क्या बोली तू लाला एक बार मेरे को चांस दे दे देख मैं सब कुछ समझाएगा मैं समझाएगा ना तेरे को एक बार लाला लाला नहीं वो नीच इंसान है नवाब आई हेट यू एक बार मेरे को मौका दे वो हराम खो रहे हो तुझे भी खा जाएगा पन लैला मेरी बात तो सुन लैला लैला कैसा लगा अपना स्पेशल कोड मस्त है ना 24 घंटे ओपन यहाँ पे जज भी मैं विटनेस भी मैं और इंस्टेंट जस्टिस वैसे तेरे काफी भाई लोगों का भूत है यहाँ पे घर वाली फीलिंग क्या देख रहा है मीटिंग है तेरी पिक्चर बनाएगा डी एंड है तेरा आज क्या कदम था डी एंड भी बोलता है और आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछता अच्छा सिगरेट सिगार पिएगा मेरा पूछ ले सर सिगरेट पिलाए सर मैं अपना सिगार खाली करके आता हूँ और अगर हिले डुले ना उड़ा देना सिगरेट पिएगा 30 सिगरेट पापा खाएगा पहुंच ले सर जीप निकल टायर पंचर है पहुंचले वायरलेस में बोल नवाब को ढूंढो जिसे भी जहां भी दिखे शूट दैट साइड नवाब भाग गया फटाफट जल्दी से पकड़ो ठीक है अब समझे सारा खेल इधर से ही शुरू हुआ लाला और कदम से बचने के लिए सबसे सेफ जगह खुद कदम का क्राइम ब्रांच था और वही जगह था जहां अपने गैंग के गद्दार का पता लगा सकता था एक तीर से दो निशाने अब उनकी बीवी मनस्वी जेल में इस वक्त अब उनकी बीवी वहां से रिहा होगी और ये यहां से रिहा होगा हाँ हम सेफ हैं हेलो मैं लाला बोल रही हूँ अच्छा लगा ये जान के कि इन सब चूहों के बीच में एक असली शेर है जो मेरे लिए पूरी दुनिया को चलाने के लिए तैयार है ए लैला लाला की नजरों को भाता तो बहुत कुछ है पर दिल तेरे पे ही आ रहे लाला ये दिल का लेन देन यू फोन में नहीं होता है आंखों में आंखें डाल के दिल छीन के लेके जाते हैं असली मर्द सही बोली रे तू अपन कलिश तेरी फ्लाइट कराता है बैंकॉक की नहीं जंग में जीता हुआ इनाम थोड़ी खुद चल के आता है उसको दुश्मन के किले से उठाना पड़ता है क्या हुआ लाला डर गया क्या दुश्मन तो पिंजरे में है लाला डरना तो मुझे चाहिए ना अगर नवाब जेल से छूट आया वो मुझे खत्म कर देगा ए अपुन है ना डरती काहे को रे तू और उस नवाब को बसलने का प्लान तो अपन बना चुका है अभी लाला आएगा खुद रेड कारपेट के साथ अपनी हीरोइनी को लेने इंतजार करूंगी लाला हाय ये मेरा पासपोर्ट किधर है
बंबई जा रहा है क्या? भाई टेंशन नहीं लेने का, पूरा मुंबई का पुलिस अपना जेब में अभी। और नवाब आखिरी दिन चल रहा है भाई, इससे पहले अपन लैंड करेगा ना, नवाब मात इस दुनिया से टेक ऑफ कर रहा हूँ। भेजा है अपन ये राव मच को क्राइम ब्रांच। अच्छा है, भरोसा रखो भाई। मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। तो बस क्या, भाई किसका है? और भाई इस बार अपन जाएगा ना तो अपना उदरिच लेने का परमानेंट इंतजाम करके आएगा। जरा बोल कहाँ है नवाब? बोल बोल। स्टॉप इट कदम, स्टॉप इट। अपने फेलियर्स का गुस्सा इन पे मत उतारो, तुम्हारी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। इस ताकत के बल पे तो कूद रहा है ना बख्शी, बहुत जल्द बदलने वाली है। और शराब मेरा पार इससे आता है और ये कभी नहीं बदलता, लेकिन तेरे आका उनका मुझे नहीं पता, तेरी ये गद्दारी माफ करेंगे? बख्शी सर वहां कुछ मिला है। चलो राजन लेट्स गो। कहते हैं ना सुरा के काफी है, जीत का रास्ता हीरो निकाल ही लेता है। प्रदीप के मरने के बाद समझ गया था लाला का अगला शिकार मैं ही होने वाला हूँ। वो कहीं से भी वार कर सकता था और उसके वार को काटने के लिए जल्द से जल्द एक प्लान चाहिए था और एक सेफ जगह, क्योंकि मुझे यकीन था गैंग में कोई खबरी है। ये प्लान सिर्फ कोई बाहर का आदमी ही पूरा कर सकता था। मैंने लखन को चुना। कौन है रे यहाँ फालतू? भाई एक लखन नाम का जानवर है भाई, हेड कांस्टेबल का कान खा लिया था। लखन का काम था अरेस्ट होके किसी पुलिस वाले पे ऐसा हमला करना कि उसको क्राइम ब्रांच की बेसमेंट वाली सबसे बदनाम कालकोठरी में ठूस दिया जाए। साले ने कान ही काट लिया हवलदार का। कालकोठरी में उसको एक सुरंग बनानी थी जो जेल से सीधा आजादी को जाती थी। जेल जाने से पहले ही जेल से निकलने का प्लान बनाया था मैंने। सिर्फ हीरो ही नहीं, इस कहानी का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मैं ही हूं। नवाब इसको बना के गया, वो जो जो जैसा जैसा बोलता गया तो एकदम वही वही करता गया ना। हाँ बोल क्या चाहिए? चार मटन बिरयानी, छह चिकन बिरयानी, 12 वड़ा पाव, 2 किलो भजिया और हाँ चटनी और मिर्चियाँ अलग से। करम तू ना पुलिस वाला है ही नहीं, तू एक जोकर है। जोकर तेरा वो जो बाप, तेरा मालिक जो बैठा ना बैंकॉक में, उसको बोल तुझे नौकरी देने के लिए, क्योंकि तेरी ये नौकरी तो गई। कदम क्या कह तूने? सर एम्बुलेंस जल्दी। सर आपको तो बड़ी चोट आई है। ये चाबी, ये चाबी, वो लॉकर में जाओ। कदम के सारे वो सारे रिकॉर्डिंग्स है उसमें, कमिश्नर साहब के पास ले जाओ। लेकिन सर आप? राजन मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। राजन सर को हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। माय ब्रदर, लिंग आई प्रॉमिस लाला, आई किल। फिर से बच गया ना? और हुसैन भाई का कुछ खबर? लाला भाई के आदमी ने बताया उसने अब्बू को कैद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहा। हाँ लिंक योर मदद, हेल्प हेल्प हेल्प, नीड हेल्प। फाइंड हुसैन भाई, हुसैन भाई फोन योर ब्रदर। एड्रेस इनको दे देना। हाँ भाई फोन हिम नाउ, नाउ गो 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 गो। उसका भाई बैंकॉक पुलिस में, मिल जाएगा।
हुसैन भाई मिल जाएगा। और कुछ खबर है कि नहीं? और क्या खबर मिलेगी? लाला आज बॉम्बे आ रहा है, लैला ने उसे फोन करके इंडिया बुलाया। अरे एड़ा हुआ क्या तू? बॉम्बे पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही तेरे को। अरे शहर से पहले निकल जाओ, जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। अरे शुक्रम से का ऑर्डर निकला है तेरा, ये अभी चोट भी ठीक नहीं हुई है, मैं नहीं जाने देगा। अब पहुंच जाएगा। बैग तो इधर, नहीं जाने देगा। बैग छोड़। नहीं बैग छोड़। नहीं छोड़ याकूब, जाने दे इसको, ये नहीं सुनने वाला। सही बोली वो, तुम लोग को उसकी आंख का गुस्सा दिखता है, उसके पीछे का प्यार नहीं। मत रोक रहे उसको, ये ले साथ जा। अरे तुम औरत लोग पागल हो गया क्या? गुस्सा प्यार क्या क्या चल गया रहा है? अरे तू बीवी है उसकी, रोक ले इसको। वो लाला का फोर्स कितना बड़ा है मालूम है तेरे को? याकूब सही बोला। नवाब है क्या तेरे पास आर्मी? अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो ऐसे बहुत सारे दोस्त है अपन के पास। रत्नाकर का जाओ कोने कोने में सब लोग चलो। ए सोनू, दो बोतल विस्की, बर्फ, चकना सब रेडी रख। साथ में एक दर्जन छतरी का इंतजाम कर। मेरे को समझता नहीं है ना वहां बहुत बड़ा सांप है या बहुत बड़ा शाना। फिलहाल तो दोस्त समझो रत्नाकर। तेरे से ज्यादा लाला को अपन नफरत करता है। जिस जिसका लाला ने आज तक काटा है उन लोग सब हैं। तेरा बदला आज हम सबका बदला है। ए येड़ा मचमच। हाँ भाई। हाँ भाई क्या खबर रे? अरे भाई भाभी तैयार हो रही है। भाभी रेडी हो रही। नवाब का क्या खबर है? भाई वो फरार है अभी। भाई तुम लोग क्या बैठ के गंड मना रहे होते हो? हाँ साला इतना पुलिस इतना गैंगस्टर के बीच में से कैसे निकल जाता है वो? भाई बम्बई पुलिस लगा है ना काम पे, टेंशन क्या को लेते हो? अरे भाई आप इधर है, किसी को नहीं मालूम ये बात। अपना पूरा आर्मी लगेला इधर और उसके साथ वो अकेला चिलगोजा याकूब है। लगे तेरे आ रही है भाभी। चलो तुम लोग निकलो। हाँ ए इन सबको लेके जाओ अपने साथ। अरे चलो रे अपन को लैला के साथ अलोन टाइम चाहिए। अपना डील के हिसाब से ये रहा तेरा सारा आदमी हो, पर एक बात याद रख, ये बस लाला को मारने तक का डील है। बैंकॉक से मुंबई तक अपन अपने दिमाग में ना ये सीन बार बार रिवाइंड कर ला, कितना मिलना चाहता था अपन तेरे से, मगर वो नवाब साला लालची हो गया। गली के कुत्तों को अगर बोटी डालो तो। गली के कुत्तों को ना गली में रहने दो, तुम तो मेरे लिए आए ना, कितना इंतजार किया, टाइम वेस्ट नहीं करते। लाला को तेरी अदा बहुत पसंद आई रे, उल्टा दिखाते हैं फिल्मों में, हीरोइन ही शर्माती है और हीरो। वो लाला भेड़िए के खाल में एक बकरा है और वो इंडिया तभी जाएगा जब उसको लगेगा कि अपन मर चुका है या किसी पुलिस के जेल में सड़ रहा है। तो समझ रही है? भरोसा है, कुछ नहीं होने देगा तेरे को। राजन ने जब बताया कदम अटैक करने वाला है तभी समझ गया था इसके पीछे लाला का हाथ है। लैला के पास जाकर एहसास हुआ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उसको, और तब हमने ये प्लान बनाया लाला को इंडिया लाने का, उसका दी एंड करने का। ओ मैडम थामा थामा, चला चला जाओ दिया जाइए जाइए। इंस्पेक्टर देखिए मैं नवाब है। ए
बैठे कर ले बात। क्या हुआ लाला, डर गया क्या? दुश्मन तो पिंजरे में है। अभी लाला आएगा खुद रेड कार्पेट के साथ अपनी हीरोइनी को लेने। इंतजार करूंगी लाला। हीरो आ गया लाला, पिक्चर अब शुरू होगी। हाई लेवल इन्फॉर्मर की मदद से हमें पता चला है कि मस्तान का भाई लाला और उसकी गैंग मुंबई में है, लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए सीक्रेट टास्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉब्लम है ना सर, किसी भी भरोसा ही नहीं कर सकते। ए, मतलब क्या है तेरा राजन? सर मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा है, अगर मेरा एक भी आदमी बिका हुआ निकला ना उसका एनकाउंटर। एक मिनट कदम सर, बोल रहा है अपन को नवाब चाहिए। लेकिन अभी रेट डबल हो गया भाई, पूरा दो खोखा लगेगा। अपन तेरे को दो खोखा क्या, दस खोखा देगा। अपन को नवाब चाहिए। सर ये नकली टाइटल है। कदम क्या हो रहा है, वापस बैठो। राजन अपनी गन वापस रखो। अपन मनाएगा उसके साथ सुहागरात आज रात को, और दीवार पे लटकेगी तेरी बड़ी वाली फोटो।
लाला का एनकाउंटर हुआ है। रिपोर्ट में क्या लिखोगे? लाला ने अरेस्ट होने से मना किया, इंस्पेक्टर राजन सिंह पे गोलियां चलाई और इसलिए दोबारा फायरिंग में लाला मर गया। क्या ये प्रेस वाला आने से पहले मैडम को लेके जाओ। खेस शूट आउट में पुलिस ने माफिया सरगना लाला को मार गिराया, जो कि बॉम्बे लाया गया था फिल्म स्टार लैला। जी हाँ, फिल्म स्टार लैला की मदद से। क्राइम ब्रांच के नए चीफ इंस्पेक्टर राजन सिंह ने खुलासा किया है कि लैला एक अंडरकवर एजेंट थी, जिनकी मदद से बॉलीवुड और माफिया का नेक्सस सामने आ पाया है। जेल से भी कदम ने एक नए महाभारत का बीज बो दिया था। फोन रख। भाई लाला भाई को नवाब ने मारा है। भाई, लाला भाई को नवाब ने लैला के लिए ही मारा है। पुलिस रिकॉर्ड में तो आज से हमारा आदमी। तेरे नाम का वारंट कैंसिल हो चुका है, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर निकल जा। मनस्वी पुणे वाला फ्लैट पर है। और लैला कुछ दिन तो रहेगी वो हेडलाइन न्यूज में, बॉम्बे पुलिस की स्टार। चलो हीरो, पता नहीं कब मुलाकात। मैं एक हिट वाला हीरो नहीं हूँ राजन साहब, दोबारा मिलेंगे। अब अपने हीरोइन को गुड बाय बोले बिना थोड़ी ना जा सकता। गुड बाय प्लीज नवाब। नहीं, मैं नहीं देख सकती और खून खराबा। बंद करो ये लड़ाई। लैला प्लीज, तुम्हें कुछ और चाहिए वो मांग लो, वो भी दिल से। और पता है मुझे बस एक ही चीज चाहिए। ये जंग बस तुम्हें बचाने के लिए थी, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने की जंग अब शुरू होगी। भरोसा है ना? बम्बई और महबूबा दोनों अब उनके हाथ में थी, दोनों ने मेरे हाथ काट दिए और सोचा नवाब की पिक्चर खलास, पर हीरो की कहानी कैसे समझेंगे? ये अपन का दी एंड नहीं, ये तो बस इंटरवल है, और इंटरवल के बाद जब हीरो की एंट्री होगी तो खुदा भी ताली बजाएगा। या लव स्टोरी है तेरी? तेरे लैला के चक्कर में मेरे लाला को मारा तूने। अब मुझे मालूम पड़ गया कि तेरी नजर हमेशा से मेरी गद्दी पर थी। तो तैयारी कर ले मस्तान। अपन आ रहे लाए। आजा बेटा आजा। पहले ये बता, अपने माशुका की गर्दन पर निशान देखा? उसने तेरे को अपनी बाप की झूठी कहानी सुनाई होगी, पहले उससे असलियत पूछ। असलियत फिर आना, मैं यहीं पर हूं। अपनी कब्र खुद खोद लेना मस्तान। भाई तो रहा नहीं, अब तेरा जनाजा अपन खुद उठाएगा। अपन आ रहे हैं।